दोस्तों ये खबर तो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि चाइना म्यांमार के साथ मिलकर भारत की मिसाइलों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोको आइसलैंड पर एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है और ये कदम उठाकर म्यांमार ने चीन के साथ मिलकर भारत से दुश्मनी मोल ली है। इसलिए भारत ने चाइना के साथ साथ म्यांमार के खिलाफ भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स के इस ऑपरेशन ने पूरे म्यांमार में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस बार इंडियन एयरफोर्स ने पूरे कोको आइसलैंड को पूरी तरीके से घेर लिया है, क्योंकि जब से सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा चाइना और म्यांमार के सीक्रेट मिलिट्री बेस का पर्दाफाश हुआ है तभी से भारत ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए पूरे कोको आइसलैंड को घेर लिया है। और फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि MQ-9 रीपर ड्रोन दुनिया का सबसे खूंखार ड्रोन है जो किसी भी मिशन को आसानी से अंजाम दे देता है। इसलिए भारत ने अमेरिका से दो MQ-9 रीपर ड्रोन को लीज पर लिया है और अब इन दोनों ही ड्रोन की ताकत को देखकर पूरे म्यांमार में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अगर इस बार म्यांमार ने कोई भी गलती की तो वो अपने कोको आइसलैंड से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि कोको आइसलैंड भी भारत का ही हिस्सा है जो आजादी के वक्त म्यांमार ने हड़प लिया था।